अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यूनिक दिलचस्प मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये हमने वाइट सॉस बनाने के लिए एक मीडियम कांदा, एक कप भरकर दूध, दो चम्मच मैदा, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरिगेनो और तेल हमने ले लिया है। अब फ्रेंड्स हमने तपेली चढ़ा दिया है, उसमें हम 3 कप पानी डाल देंगे। 3 कप पानी डालने के बाद चिकन धोकर हमने उसमें ऐड कर दिया है। इसमें एक चुटकी हमने नमक ऐड कर दिया था। और अब फ्रेंड्स ये चिकन हमारा बॉईल हो गया है। चिकन को हम निकाल लेंगे और बॉईल किया हुआ चिकन का पानी हमने संभाल कर रखना है, हमें वाइट सॉस बनाने के लिए वो काम आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब देखिए, हमने 2 चम्मच ऑयल जो निकाल कर रखा था उसे हमने पैन में डाल दिया है। और अब अनियन हमने ऐड कर दिया है उसमें, और अनियन का कलर सिर्फ हमने चेंज करना है, इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स अनियन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने आधा मैदा ऐड कर दिया है। अभी आधा मैदा मैं और इसमें ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड मैंने पूरा मैदा इसमें ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसे हमने चलाते हुए मिल्क ऐड करना है। इसमें हम चलाते हुए मिल्क ऐड कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और अब इसे हम अच्छी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये इतना गाढ़ा हो चुका है। फ्रेंड्स अब इसके अंदर हमने चिकन का वाटर ऐड कर देना है और अब इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। फ्रेंड्स इसे अच्छे से थिक होने देंगे। इतना थिकनेस जब इसका हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया मैंने इसमें, और आपके पास अगर वेजिटेबल्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर फ्रेंड्स इसमें हमने नमक ऐड कर देना है। 2 चुटकी नमक ऐड करके इसे हमने वाइट सॉस को अच्छी तरह से पकाते रहना है जब तक ये थिकनेस ना हो जाए इसमें। आप देख सकते हैं इसमें इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये थिक हो चुका है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम फ्रिज कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बॉईल किए हुए चिकन का हमने रेशा निकाल लिया है। फ्रेंड्स इसके रेशे हमने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें 1 मुट्ठी कोथमीर हमने ऐड कर दिया है चॉप करके। अब ये आप देख सकते हैं वाइट सॉस जो हमने बनाया था इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है और थोड़ा सा नमक भी हमने इसमें डाल देना है हसब जायका। अब फ्रेंड्स आपके पास कोई ढक्कन है तो आप इसे कटिंग कर लीजिए इस तरह से राउंड। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो भी आप कटर से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे राउंड कटिंग कर लीजिए, ये बहुत इजीली कट हो जाता है। अगर आपके पास ढक्कन की मदद से आप इसे इजीली कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर हमने मिश्रण डाल दिया है। और अब चिकन का मिश्रण डालने के बाद हमने ये मैदा, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चुटकी नमक हमने मिलाकर इसे घोल बना लिया था। और अब इसके ऊपर हमने लगा दिया ये लाल कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरिगेनो और काली मिर्च हमने ऊपर से छिड़क दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने चीज़ डाल दिया है ब्रेड में। और अब उसके ऊपर चिकन मैंने वापस से रख दिया है। और अब ये मैदा और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा है इसके ऊपर लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो और फिर रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है ऊपर से। और अब देखिए मैं इसे गरम तेल हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब इसमें हम गरम तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से पलट पलट करके इसे हमने फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स एक तरफ से हो गया है हमारा, तो अब हम इसे पलटी कर देंगे।
और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पकने देंगे। अब फ्रेंड्स इसे हम फिर से पलट कर थोड़ी देर पकने देंगे। आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है। इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने बाकी के भी बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कलछे की मदद से तेल को पूरा छानकर इसे हमने निकाल लेना है। अब फ्रेंड्स ये हमारे चिकन यूनिक दिलचस्प इफ्तार तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खतरनाक सा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करना। ये देखिए इसके अंदर मैंने चीज़ भी डाला था, देखिए कितना चीज़ी सा बना है ये। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट ज़रूर देना। दुआ में याद रखना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।